गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग मोटिवेशनल सिविलियन सौरभ गुलशन अमरजीत विकास जयेश गुलशन विकी अनुषा निशु वेरी गुड मॉर्निंग तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के दिन के और देखते हैं जरा आज कौन कौन सी हैं से इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ठीक है थैंक यू सो मच जो हैप्पी बर्थडे कर है अनुषा अच्छा कल नहीं आई थी तुम क्लास में ना चलो थैंक यू सो मच कल ढेर सारी बेस्ट विशेष आप लोगों ने दी और कल मैं लाइव भी आने वाली थी आप लोगों से बात करने बट मैं नहीं आ सकी बिकॉज कल बहुत बिजी डे हो गया था कुछ तो क्लासेस मैंने कल ऑफ नहीं लिया था और ऊपर से फिर यू you नो know, बर्थडे सेलिब्रेशन की छोटी मोटी पार्टीज जो हैं वो होती रही और इस चक्कर में मैं इतना थक चुकी थी ना रात में कि लाइव आने का मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं थी तो मैंने पोस्टपोन कर दिया आज के लिए मतलब आज शाम को डेफिनेटली मैं आप लोगों से मिलने लाइव आऊंगी ही आऊंगी पक्की बात है ठीक है चलो तो करते हैं फिर शुरू आज का हमारा सेशन और आज के न्यूज देखते हैं <coughs> लेकिन हमेशा की तरह कुछ खूबसूरत लाइंस के साथ में बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनी थिंग इज पॉसिबल बिल्कुल जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल लगता है हम उसी चीज पर यू नो जिस चीज पे हम भरोसा करते हैं हमें वही चीज लगती है कि हाँ ये हो सकता है तो खुद पे जिस दिन आपने भरोसा करना शुरू कर दिया कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आप खुद पे भरोसा रखिए आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप खुद पे भरोसा रखेंगे आप कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो काम होगा आज नहीं तो कल होगा कल नहीं तो हो हो नहीं तो तो परसों परसों होगा सफलता जब भी मिले मैटर ये करता है कि आप एट द एंड जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं ये मैटर नहीं करता कि आपको कितनी देर से सफलता मिली है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत देर से मिली है काफी साल उन्होंने मेहनत करी लेकिन आज वो सेटल है 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 ना तो थोड़ा देर से ही सही लेकिन वो मिलता सभी को है, जो एफर्ट्स लगाते हैं जो मेहनत करते हैं तो चलिए फिर हम भी मेहनत करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन ठीक है गुड मॉर्निंग शैलेश और ये कौन है भाई भावनाओं में बहते हुए सुबह सुबह वैभव गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग एप्लीकेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा यहीं पर आपको सारा स्टडी डिस्क्रिप्शन में चलो भाई चलते हैं हमारी पहली वाली न्यूज की तरफ ओहो हो ये क्या मैडम मतलब पहली ही न्यूज ऑस्ट्रेलिया की है, है? दुख याद दिलाना चाहते नहीं उस बारे में बात ही नहीं करेंगे हम क्या हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल टॉक हुआ है क्या हुआ है टू प्लस टू ये एक डायलॉग होता है टू प्लस टू डायलॉग ठीक है इसका आयोजन अभी रिसेंटली किया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है अब देखो इसके अंदर होता क्या है वो समझिएगा <coughs> ये जो टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल टॉक होती है ठीक है इसमें दो चीजों पर फोकस किया जाता है मेनली दो चीजें कौन सी हो जाएंगी एक तो हो गया डिफेंस ठीक है प्लस हो जाएगा एक्सटर्नल अफेयर प्लस एक्सटर्नल अफेयर इन दो चीजों पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया होगा डिफेंस मिनिस्टर हमारे ये राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे ठीक है एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर मोदी जी ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है ये दिल्ली के अंदर सबसे पहली चीज दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है ठीक है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है इसका आयोजन ये तो हो गई सारी चीजें यहाँ पे अब ये हो क्यों रहा है और इससे पहले कितनी बार हो चुका है इसका आयोजन तो ये जो है सेकंड एडिशन है इसका ये पहली बार आयोजित नहीं किया जा रहा ये जो है इसका सेकंड एडिशन है सेकंड समिट ऑस्ट्रेलिया के साथ में इसका सेकंड समिट है ठीक है अब ये लोग करेंगे क्या इसमें देखो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्कस की गई है क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है एक तो यहाँ पे बोला है कि जो फ्यूल फिलिंग होता है क्या फ्यूल फिलिंग इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल हमारा मान लो कि कोई भी एयरक्राफ्ट है राफेल विमान है अगर हवा में फ्यूल खत्म हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में है आसपास में तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा हवा में ही फ्यूल भरेगा चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट क्यों ना हो ठीक है तो फ्यूल फिलिंग का काम करेगा ठीक है और क्या काम करेगा और यहाँ पर एक और चीज बोली गई है साथ में मैरी टाइम में भी हेल्प प्रोवाइड करेगा मैरी टाइम जैसे कि जैसे कि हमारा आ, ये मान के चलिए हमारा अंडमान सागर हो गया इंडियन ऑशियन हो गया अरेबियन सी हो गया अगर यहाँ पर सिक्योरिटी को लेके कोई भी इशू आता है इन फ्यूचर जैसे कि चाइना की नजरें हमेशा इंडियन ऑशियन पे रहती है तो इन वाटर बॉडीज को क्या करने के लिए सिक्योर करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा तो मेरी टाइम को लेकर के हेल्प हो गई ठीक है एक और चीज है हाइड्रोग्राफी को लेकर एक बोला गया है हाइड्रोग्राफी को लेकर हाइड्रोग्राफी इसके अंदर क्या होगा इसमें बोला जाएगा वाटर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया हमें हेल्प करेगा वाटर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी में हेल्प करेगा ठीक है इतना ही नहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इस पर भी दोनों मिलकर काम करेंगे ठीक है इस पर भी क्या है दोनों मिलकर काम करेंगे इज इट ओके चलो तो ये हुआ है इस पूरी मीटिंग के अंदर अच्छा तो क्या ये मीटिंग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ में की जाती है नहीं ये जो मीटिंग है और भी कंट्रीज के साथ में आयोजित की जाती है जैसे यूएसए के साथ में भी होती है ये जापान के साथ में भी कंडक्ट की जाती है. अगर इसका जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है वो किसके साथ में होगा जापान के साथ में और रशिया इन कंट्रीज के साथ में भी हम इसे इसको क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं ठीक है ठीके? चलो भाई अब ऑस्ट्रेलिया आया है तो दूर तक जाएगा ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात हम जरूर करेंगे देखो <clears throat> आ, अभी ऑस्ट्रेलिया ने सिक्स टाइटल जीता है ये हम सभी जानते हैं ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप जिसका आयोजन इंडिया के अंदर किया गया था दस जगहों पर इसका आयोजन हुआ जो फाइनल मैच है ये मोदी स्टेडियम में हुआ आपको क्या लगता है मोदी स्टेडियम में कोई और स्टेडियम में होना चाहिए था इसका जो फाइनल मैच है क्या ऐसा हो सकता है किसी और स्टेडियम में होता तो हम मैच जीत जाते <coughs> चलो खैर भावनाओं में बहने वाली बातें नहीं करते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे बॉक्साइड जो है वो काफी ज्यादा पाया जाता है इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये कौन सी हो जाएगी मर्रे और डार्लिंग जो है इसकी सहायक नदी है ठीक है ये क्या है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है ठीक है यहाँ पर एक और जगह आपको मिलती है डार्विन है, जिसे गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आइलैंड मिलता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में और उसका नाम है तस्माना सिर्फ एकमात्र आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दैट इज तस्माना ठीक है इतनी चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ देखो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ कॉन्फ्रेंस ये क्या है एनिमल की हेल्थ को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जगह पे इसका आयोजन किया गया तो दिल्ली में किया गया कौन सा एडिशन था ये थर्टी थर्ड एडिशन था ये ठीक है सरस मेला इस बार कहा पर आयोजित किया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर नेक्स्ट जो टू प्लस टू डायलॉग होने वाला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा जापान में इसका आयोजन कहाँ होगा जापान में ठीक है इतनी चीजें हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या चलो कोई बात नहीं हाँ ये देखो चाइना आया है आज हमारी क्लास में भाई बड़े दिनों बाद बड़े दिनों बाद आज चाइना की न्यूज आई है और समझिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोजल ठीक है चाइना और म्यांमार के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये जो है इसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं आपसे पूछा जा रहा मैंने माइक लगाया ना किस देश तक चाइना ने चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको विस्तारित करने की रुचि व्यक्त की है इसको क्या किया जाएगा अब एक्सपैंड किया जाएगा ठीक है कहाँ तक इसको बढ़ाया जाएगा <coughs> एक बार फिर से श्रीलंका चाइना के जाल में फंसते हुए और फिर रोते रोते आएगा भारत के पास में देखो क्या हुआ है चाइना की जब हम बात करते हैं चाइना तो इसका ना एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले तो था चाइना से लेकर के म्यांमार तक ठीक है लेकिन अब ये कह रहा है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे और कहा तक लेकर जाएंगे श्रीलंका तक लेकर जाएंगे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने रानिल विक्रम सिंघे इनका नाम है तो इन्होंने क्या किया है इसको एक्सेप्ट कर लिया है ये भूल गए हैं वो दिन जब इन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइना से पैसा लिया था और जब पोर्ट बन गया तो लाओ हमारा पैसा वापस है और इसी चक्कर में इनकी जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली गई थी यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था वो चाइना की वजह से लेकिन ये लोग फिर से क्या कर रहे हैं अब इन्होंने चाइना को फिर से अप्रूवल दे दिया कि आओ एक बार और हमें लूटो एक बार और हमें बर्बाद करके जाओ तो यहाँ पे अप्रूवल जो है वो इन्होंने दे दिया है अब क्या होगा यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा बात को समझना चाइना का है ना ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी जिसे कि हम जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से इस प्रोजेक्ट में क्या है इस प्रोजेक्ट में चाइना जो है बहुत सारे रूट्स डेवलप करेगा सी रूट रेल रूट एयर रूट और ट्रेन train... अच्छा आ, रेल हो गया सी हो गया एयर हो गया और कौन सा हो गया शिपिंग रूट ठीक है रोड 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 ये सारे रूट डेवलप करते हुए क्या करेगा वन जो कंट्रीज है एक देशों को जोड़ेगा ताकि अब ये सारी जो कंट्रीज हैं वो जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे ये जो कॉरिडोर ये बना रहा है डेढ़ सौ देशों को कनेक्ट करेगा और उन डेढ़ सौ देशों में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को भेजेगा बड़ी इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है ठीक है तो ये इसका प्लान था 2013 के अंदर ये लेकर आया था बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव 2013 में शुरू किया था ठीक है अब ये जो एक और इसका प्रोजेक्ट है ये कौन सा है ये है चाइना म्यांमार प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर है एंड चाइना एक और है इसके अलावा एक और है इसके अलावा चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर यह है चाइना बांग्लादेश एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो सी कॉरिडोर है ये काफी ज्यादा न्यूज में है ये देखो सीपेक कॉरिडोर की बात करेंगे ये वाला है सीपेक कॉरिडोर जो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है ये ग्वाडर पोर्ट तक है कहां तक है ग्वारर पोर्ट चाइना ने यहां से शुरू किया ग्वाड अच्छा इसमें क्या है इंडिया को ऑब्जेक्शन है क्यों ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये जा रहा पीओके वाले एरिया से होते हुए अब ये पीओके वाले एरिया से होते हुए जाएगा अब इंडिया की कहीं से होते हुए जाएगा तो ओबियसली बात है हमें प्रॉब्लम क्यों होगी क्योंकि चाइना हर एक जगह को हथियाना चाहता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन इंडिया ने उठाया कि अपना जो तुम ये प्रोजेक्ट निकाल रहे हो उसको क्या करो पीओके वाले एरिया से तुम तो नहीं निकाल सकते हो कहीं और से निकालो अपना प्रोजेक्ट इस चीज को लेकर यहाँ पे क्या चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है ठीक है ये तो सीपेक कॉरिडोर अच्छा ये आप लोग देखो क्या है ये भी चाइना का ही प्रोजेक्ट है इसको देखो <clears throat> ये भी किसका प्रोजेक्ट है चाइना का इसका नाम क्या है इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इसमें चाइना क्या, क्या करे यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के ये वाला जो पूरा एरिया है इंडिया का ये वाला पूरा एरिया इस पूरे एरिया को इसने कवर किया है यहां से कॉरिडोर इसने पूरा कवर किया है ताकि इंडिया का जो ये पेनसुला वाला एरिया है इसके ऊपर निगरानी रख सके ठीक है अच्छा इंडिया ने कहा कि भैया तुम इतने चला को तो हम तुम्हारे बाप हैं अभी तुमको बताते हैं इंडिया ने शुरू किया इसी को काउंटर करते हुए इसी प्रोजेक्ट की अगेंस्ट इंडिया क्या लेकर आया इंडिया देखो ये लेकर आए थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला इंडिया क्या लेकर आया इंडिया लेकर आया नेकलेस ऑफ डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड इसमें इंडिया ने क्या किया ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं पूरे एरिया को कवर किया ईट का जवाब पत्थर से दिया ठीक है इस पूरे एरिया को कवर किया या आप देखो ये डायमंड है ना इसको क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया नेकलेस ऑफ डायमंड ये किसका प्रोजेक्ट है ये इंडिया का प्रोजेक्ट है तो देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे तीन से चार प्रोजेक्ट जो है वो बताए हैं वो याद रखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे एक तो हो गया है यहाँ पे चाइना म्यांमार क्या है इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक है चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया ओके okay? और मैंने आपको बताया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ये सब किसके हो जाएंगे ये सब चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट 2013 में चाइना ने शुरू किया इसमें ये क्या कर रहा है 150 कंट्रीज को कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है ठीक है इतनी चीजें आपको याद रखनी है हम्म <coughs> hmm. चलो आगे अभी श्रीलंका भैया तब आएगा तब देखेंगे ओके तो स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात करेंगे ये चाइना का है जिसमें इसने इंडिया को तीन तरफ से क्या किया हुआ है घेरा हुआ है डायमंड वाला ये हो जाएगा इंडिया का

कौन सा मंत्रालय है जो इसको आयोजित कर रहा है कौन सी मिनिस्ट्री जो है यानी कि इसमें क्या शामिल है डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ प्लस इंडिया दोनों के बीच में क्या हुई है दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई है अब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया की तरफ से जो इसको पार्टिसिपेट कर रही है तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी आप देखो ऑप्शन ए होगा या बी होगा इन दोनों में कंफ्यूजन है क्या बताओ आंसर बताओ क्या होगा हम्म क्या होगा आंसर बी है आई थिंक नहीं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये मिनिस्ट्री जो है वो सर्वानंदा सोनोवाल जी के पास में मिलती है इनके पास में पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री भी है ठीक है सोनोवाल जी के पास में अब देखो हुआ क्या पहले डब्ल्यू एच ओ की भी बात कर ले डब्ल्यू एच ओ इसे ही बनाया गया था सेवन ऑफ अप्रैल नाइनटीन फोर्टी के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है कहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है इसके हेड कौन हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम पे ये टेड्रोस एडनन टेड्रोस एडनन जो है वो इसके हेड हो जाएंगे ठीक है अब हुआ क्या है आयुष आयुष जिसमें क्या है पांच चीजों पे फोकस किया जाता है ये जो पांच चीजों पे फोकस किया जाता है किसके अंदर आयुष के अंदर ये सब क्या होती है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है किसमें आता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें हो गया आयुर्वेदा हो गया ठीक है इसमें यूनानी यूनानी किससे बने यूनानी तो यू से ठीक है यू नानी हो गया और आपका इसमें क्या हो जाएगा सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गया होम्योपैथी हो गया ठीक है इन चीजों पे क्या है फोकस किया जाता है आयुष के अंदर ठीक है अब ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिंस कौन सी हो गई जैसे कि आपको खांसी हो जाती है तो आप क्या लेते हैं आप एक तो होता है कि आप सिरप लेकर आएंगे क्या हां मेडिकल स्टोर से जाके दूसरी चीज क्या होती है दादी के नुस्खे है ना हम घर में क्या करते हैं अदरक लिया शहद लिया उसका रस बनाया उसको मिक्स करके पी लिया उससे ठीक हो जाती है है ना या फिर काढ़ा बना के पी लिया तो वो हमारी क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन है अब डब्ल्यू एच ओ के साथ में आयुष ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें क्या होगा उसमें ये होगा कि जितनी भी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है इनको बढ़ावा दिया जाएगा इनको बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि कोविड के टाइम पर भी क्या है इन मेडिसिंस का काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिला था ठीक है तो ये जो काम कर रहे हैं 2025 से लेकर 2034 तक के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि WHO के साथ ये पहली बार मीटिंग हुई है ये थर्ड मीटिंग है इससे पहले 2015 और 2017 के अंदर भी इसका आयोजन किया जा चुका है 16. फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2016 में और सेकेंड जो है वो 2017 में हुई थी तो इससे पहले दो बार ये ये मीटिंग हो चुकी है अब ये WHO के साथ में थर्ड मीटिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए इनको प्रमोट किया जाएगा ठीक है अच्छा तो ये कहाँ पर प्रमोट किया जाएगा एक ये सवाल बनता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के लिए प्रमोट किया जाएगा आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यू एच ओ जो है कंट्रीज के लिए किसी का अपॉइंटमेंट हुआ था अभी रिसेंटली जो कि शेख हसीना जुल्फो वाली की क्या है बेटी है क्या मुझे कोई उनका नाम बता सकता है मिस दिक्कत परेशानी बेटा बर्थडे कल था तुम आज विश कर रहे हो कितने दिन तक मनाओगे तो मना मना थक चुकी हूँ यू, यू। जिनका अपॉइंटमेंट किया गया था साइमा वाजिद क्या नाम है इनका साइमा वाजिद इनका नाम है ठीक है तो यह अपॉइंटमेंट जरूर याद रखिएगा यहाँ पे चलो आप चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ आयुष्मान भारत योजना ये आती है 2018 में झारखंड रांची से इसे शुरू किया गया था पर फैमिली पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो इसमें दिया जा रहा है हेल्थ हेल्थ इज़ जो है ये कौन से स्टेट कौन से लिस्ट में आता है ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट में टोटल कितने विषय हो जाएंगे टोटल इसके अंदर है सिक्सटी वन विषय स्टेट लिस्ट के अंदर ठीक है <coughs> नेक्स्ट देखो ये पता नहीं कब खत्म होगा हमास जंग पर ब्रिक्स प्लस की क्या हुई है एक मीटिंग हुई है और वो भी बताई जा रही है काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है तो ध्यान से सुनिएगा अब इसमें एक नया मोड आ चुका है है ना जो हमास और इसराइल का जो लड़ाई चल रही है इसे 47 48 डेज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं अब इसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाला गया है और ये जो कंक्लूजन निकाला है वो क्या है वो सुनो ध्यान से ये देखो कैसे हाथ पकड़ के सब लोग खड़े हुए हैं आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सब लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे यूनिटी दिखा रहे हैं कि मिल करके हमें क्या करना है इस लड़ाई के ऊपर एक कंक्लूजन निकालना है इसको स्टॉप करना है तो देखो यहाँ पे क्या चीजें की गई है <clears throat>

ठीक है इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है ये डिस्प्यूट कब से चल रहा है इसको 47 या कह है सकते हैं 48 डेज जो है ये हो चुके हैं इतना टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे हो चुका है ठीक है तो अब आगे क्या किया जाएगा देखो अब क्या हुआ है ब्रिक्स की मीटिंग का आयोजन हुआ था ब्रिक्स की मीटिंग का आयोजन हुआ ब्रिक्स जिसमें कितनी कंट्रीज हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका जिसे कि 2010 में ऐड किया गया इसके फर्स्ट मीटिंग जो है 2009 में हुई थी और ये रशिया में हुई थी ठीक है अच्छा अब ये मीटिंग किसने बुलाई है अभी बुलाई है ये मीटिंग साउथ अफ्रीका ने क्योंकि इस साल कौन होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका इस मीटिंग को भी किसने होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया इसमें इन पांच देशों के अलावा और भी कंट्रीज जो हैं वो शामिल हुई हैं जो आने वाले टाइम में यानी 2024 के अंदर इसका मेंबर बनने जा रही हैं अब ये कौन कौन सी कंट्री हो जाएंगी जैसे कि अर्जेंटीना ये भी क्या है इसका मेंबर बनने जा रही है एक हो जाएगी इथियोपिया इथियोपिया ईरान हो गया और यूएई हो गया ये भी शामिल हुए इस मीटिंग में अब क्या बोला गया है देखो ये तो मीटिंग इन कंट्रीज के बीच में हो गई आपने एक चीज नोटिस करी यूएसए सबका बाप वो नहीं नजर आया यहाँ पे आप देखो यूएसए ने क्या किया कि तुम लोग करो अपनी मीटिंग हम अपनी अलग मीटिंग बुलाएंगे यूएसए सऊदी अरेबिया एंड एक और कंट्री है कतर इन तीनों ने अपनी अलग मीटिंग करी है और यह जो इन्होंने जो मीटिंग करी है वहां से निकल के आया है एक पीस एग्रीमेंट क्या निकल के आया एक पीस एग्रीमेंट अब इस पीस एग्रीमेंट के अंदर क्या सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो ठीक है कभी कभी इतनी सी, इतनी सी सी भी कर दिया करो कभी कभी इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया है इसमें बोला गया है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खास करके बेंजामिन नेतानियाहू जो है इन्होंने कहा है कि भाई जब से ये वोर चल रहा है लोग क्या है आधे लोग उनके यहाँ पे फंसे हुए हैं हमास वालों ने रखा हुआ है उनको है ना? आप कह सकते हैं उनको बंदी बनाया हुआ है और आधे लोग जो है वो कहाँ इसराइल के अंदर हैं जो हमास के हैं वो बंदी बने हुए जिसकी वजह से लोगों में काफी डर जो है वो पैदा हो चुका है अब ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए क्या है इसको स्टॉप करेंगे ऐसा नहीं कि परमानेंट स्टॉप करेंगे कंक्लूजन का मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए अभी सिर्फ चार से पांच दिन के लिए शांति रहेगी चार से पांच दिन आपको यहाँ से कोई भी न्यूज मिलेगी ही नहीं अब ये चार से पांच दिन में करेंगी क्या देखो इन्होंने बोला है हमास जो इसने इसराइल के लोगों को बंदी बना के रखा है और दूसरी तरफ से इसराइल जो है हर दिन 150 लोगों को ये रिहा करेगा जो इसके पास हमास के लोग बंदी बने हुए हैं ऐसे यही जो ये जो प्रोसेस है ये चार से पांच दिन तक डेली चलेगा कि डेली जो है ये थोड़े थोड़े लोगों को क्या करेंगे रिलीज करेंगे उनको रिहा करेंगे ठीक है चार पांच दिन तक ये प्रोसेस चलेगा अब देखो हमास ने यहाँ पर एक और चीज बोली है कि इतना काफी नहीं है हमारे लिए आपने हमास वाले एरिया पे जितनी भी मिसाइल्स जितने भी वेपन्स लगाए हुए हैं और जितने भी ड्रोन वगैरह लगाए हुए उन सभी को रिमूव किया जाए ठीक है तो ये सारी चीजें हुई हैं यहाँ पर मतलब चार पांच दिन तक अब हमें कोई न्यूज इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी आ, ब्रिक्स मीटिंग में भी क्या है यही जो डिसीजन है वो निकल कर आया है कि अब क्या करेंगे थोड़े टाइम के लिए शांति रखते हैं भाई सिर्फ थोड़े टाइम के लिए शांति रहेगी लेकिन यहाँ पे परमानेंट का अभी कुछ नहीं इंडिया इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है इंडिया जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये पीस डील जो है वो है वो साइन हुई पर चलो नेक्स्ट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है ये इसराइल ने चलाया था किसके खिलाफ हमास के खिलाफ चलाया था हमास की अगेंस्ट चलाया था ठीक है ऑपरेशन देवी शक्ति हम सभी जानते हैं ये अफगानिस्तान में इंडिया ने चलाया था वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय बताओ मुझे ये कौन बताएगा ये तो अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है ऑपरेशन अजय ये नहीं बताने वाली मैं ये तुम लोग बताओगे ऑपरेशन दोस्त ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ जो टर्की सीरिया में भूकंप आया था ठीक है तो वहां पर जो है ये ऑपरेशन हमने चलाया था ठीक है ऑपरेशन अजय बता दो फटाफट फड़ से ये पे चला था नेक्स्ट देखो इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज जो है इसराइल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था इंडिया ने वेरी गुड इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया गया नाम क्या है एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये यूएसए के साथ में हम कंडक्ट करते हैं इस बार ये कौन सा एडिशन होगा इसका फोर्टींथ एडिशन है ठीक है कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है मेघालय के अंदर मेघालय में कौन सी जगह उमरोई उमरोई नाम की जगह है मेघालय के अंदर वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है ठीक है तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में इसको कंडक्ट किया जा रहा है चलो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा देखो पहली चीज तो आपसे नाम पूछा जाएगा तो याद रखेगा वज्र प्रहार 14th एडिशन ठीक है आयोजन कहां हो रहा है उमरोई ये जगह कहाँ मिलेगी मेघालय में इसकी शुरुआत कब से हुई 2010 से हुई इस बार इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने कमांड जो है वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रहे ठीक है अगर पूछ लिया जाए इसी का जो थर्टींथ एडिशन है ये कहाँ पे हुआ था हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में हुआ था इसका आयोजन ठीक है इसी साल जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये भी किसकी है यूएसए एंड इंडिया ये भी इंडिया एंड यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है ठीक है आप देखो मेघालय आया है तो मेघालय से एक चीज याद रखेंगे मेघालय के अंदर ही आपको मिलती है इसकी जो कैपिटल है जो कि शिलोंग ये हंड्रेड क्या है स्मार्ट सिटी है हमारी ठीक है यहां पर ही आपको मिलेंगी गारो खासी जयंतिया ये क्या है ये पहाड़ियां हैं और यहाँ पर ये ट्राइब्स रहती हैं इज इट ओके ठीक है ये आपको ध्यान रखना है मेघालय के अंदर ही आपको मिलेगा असम राइफल्स का हेडक्वार्टर जो हमारा सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है ठीक है हम्म चलो विजय एक्सरसाइज ये बताओ किसके साथ में कंडक्ट की जाती है रण विजय एक्सरसाइज की बात करेंगे ये इंडिया की खुद की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये क्या है इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज इसका आयोजन किया गया प्रयागराज में हुआ था ठीक है Next है नेक्स्ट सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज ये भी क्या है इंडिया की आर्मी एक्सरसाइज है इसका आयोजन पंजाब एंड राजस्थान में किया गया अल मोहम्मद अल हिंदी ट्वेंटी थ्री ये जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ में हुई सऊदी अरब के साथ में उदी अरब के साथ में इसका आयोजन किया गया था ठीक है ये कैसी एक्सरसाइज है एक नेवल एक्सरसाइज है सेल्वेक्स एक्सरसाइज सेल्वेक्स एक्सरसाइज ये भी किसके बीच में इंडिया एंड यूएसए के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया कहाँ पे हुई थी ये कोची के अंदर इसका आयोजन किया गया था तो ये और कुछ एक्सरसाइजे जो ध्यान रखनी है आपको ठीक है नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023 थाउजेंड ट्वेंटी ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कब से लेकर कब तक इसको सेलिब्रेट किया गया है क्या है वर्ल्ड हेरिटेज वीक है इसमें क्या होता है <coughs> जितनी भी हमारी हेरिटेज वाली चीजें होती हैं उन सभी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को उन्नीस से लेके पच्चीस नवम्बर सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसमें हमारा जो कल्चर है जो भी हमारी नो विरासत स्थल है हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और तभी इसको क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं यूनेस्को की मेंबर्स ने 1972 के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन किया था एक सौ जो है राज्य दलों ने भारत सहित इस सम्मेलन की पुष्टि की और तभी से क्या है इसको मनाया जाता है ओके सुनामी अवेयरनेस डे ये कब आएगा पांच नवंबर को नेक्स्ट नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे ये सात नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे नौ नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे पंद्रह नवंबर को ठीक है इसी दिन क्या आती है बिरसा मुंडा जी की जयंती आती है जिस दिन झारखंड डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑडिटर पैनल <coughs> इनको अपॉइंट किया गया है इनकी फोटो देख के नहीं लग रहा ये बनना कुछ और ही चाहते थे ए? इनको जबरदस्ती बनाया गया हो जैसे तो हम्म इनको बनना था और अच्छी वाली पोस्ट पे जाना था काे हमको यहाँ अपॉइंट कर दिया हमने तो चेयरमैन होना चाहिए था एन बना दिया वाइस चेयरमैन वाइस काहे लगा दिए हो नाम के आगे इनके फोटो देख के तो ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल है ना? चलो देखो वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है हाँ बताओ ऐसा ही लग रहा है ना बिल्कुल तो भैया मुर्मू जी हैं हमारे हैं हाँ मुर्मू जी हैं ठीक है ठीके? जो कि क्या है हमारे कैग हैं और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और प्रेजेंट टाइम पर हमारे क्या है कैग है ठीक है तो इनका क्या हुआ है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया यूनाइटेड नेशन ऑडिटर जनरल के अंदर ये अपॉइंट किए गए हैं 2024 के लिए इनको अपॉइंट किया गया है तो बेसिकली अब ये क्या रहेंगे क्या काम करेंगे बाहरी ऑडिट के के प्रति के प्रति उच्चतम मानकों भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में भूमिका निभाएंगे आपको ज्यादा कुछ रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट पूछा जाएगा कहाँ हो रहा है किनका किया जा रहा है और यहाँ पे ये सारी रामायण आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी किसी को पढ़ने का शौक है तो पीडीएफ में मिल जाएगा आराम से बैठ के घर पे पढ़ लेना ठीक है चलो अपॉइंटमेंट देखो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बंगाल के अंदर ये किन्हीं बनाया गया है सौरभ गांगुली को सौरव गांगुली जो कि बीसीआई के फॉर्मर हेड है फॉर्मर हेड प्रेजेंट टाइम पे कौन है रोजर बिन्नी है इनकी जगह पे आए थे एमडी अपॉइंट किया है एसबीआई के अंदर वो भी दो साल के लिए क्या नाम है इनका विनय टॉन्स नाम है इनका है टॉन्स मूर्ति एनपीसीआई अपॉइंटेड यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है किसने एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब ये अपॉइंटमेंट किनका का किया गया है एज एम्बेसडर आपके फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी ठीक है इनको यहाँ पे एज ए बनाया गया है नेक्स्ट वाली न्यूज पे चलते हैं आई आई टी रोपर डिस्कवर्ड रेयर मेटल टैंटलम एक ऐसी मेटल जो भाई इतनी शानदार है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है और ये जो मेटल है ये पाई गई है भारत के अंदर ही इसका नाम है टेंटलम इसकी खोज हुई है अब इसकी खोज होने के बाद सब लोग इतने खुश हैं कि बस क्या ही बताएं? क्योंकि ये क्या है भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है तो चलिए इस न्यूज को शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है अभी <clears throat> आई रोपड़ ने क्या किया है एक धातु है टेंटलम क्या है टेंटलम है हमारे कंट में सोच ही रही थी आठवीं क्वेश्चन पे आ गई अभी तक मुझे एक भी मिस्टेक नहीं मिली आज के फाइल में मैंने आज ही सोचा था आज मैं कंटेंट मैनेजर को मैसेज करूंगी आज आपने बहुत बढ़िया फाइल बनाई है एक भी मिस्टेक नहीं है लगता है मेरी नजर लग गई है देख लो अब तुम्हारे सामने है है ना तुम्हारे सामने है हमारे कंटेंट मैनेजर ने कसम खाई हुई है मैडम के लिए काम तो छोड़ना ही छोड़ना है हां भाई चलो सो so, क्या हो जाएगा यहाँ पे सतलज रिवर जो है सतलज नदी जो है यहां पर पाई गई है ये टेंटलम ये कौन सी जगह पे पंजाब के अंदर है सतलज नदी सतलज नदी की जो मिट्टी है ना इस मिट्टी के अंदर यह धातु पाई गई है अब कैसी यह धातु है इसको जरा ध्यान से समझिएगा देखो <coughs> बोला जाता है कि यह क्या होती है एक रेयर मेटल होती है बहु... क्या होती है एक रेयर मेटल होती है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर 73 हो जाएगा ठीक है है 73 एटॉमिक नंबर क्या होता प्रोटोन की संख्या होती है ठीक है है प्रोटॉन की संख्या होती ये ग्रे कलर में होती है और ये जो मेटल है काफी ज्यादा हैवी है बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा ये क्या है बाहरी है और हार्ड है इसका यूज किस में करेंगे इसका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर सेमी में भी इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे ये तो हो गए इसके है। अब बोला जा रहा है कि टेंटलम क्या पहली बार देखा गया इस मेटल को इससे पहले भी तो कभी किसी ने खोज की होगी 1802 के अंदर पहली बार इसकी खोज की गई थी स्वीडन के वैज्ञानिक ने कौन से वैज्ञानिक केमिकल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसकी खोज करी थी स्वीडन के अंदर पहली बार इसको खोजा गया था आपसे उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है इनका नाम है एंडर्स गुस्ताफ एंडर्स गुस्ताफ, गुस्ताफ एडनबर्ग ये है इनका नाम आज के टाइम पे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है आपसे ध्यान रखना ये चीज ठीक है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जो मेटल है कौन सी रिवर की मिट्टी में पाई गई कौन से स्टेट में ये सबको पता चल गया है आपसे पूछेगा पहली बार इसे कब खोजा गया था या कौन सी कंट्री की वैज्ञानिक ने खोजा और अगर बहुत टफ बनाना है पेपर तो वो इस वैज्ञानिक का नाम पूछेगा आपसे एग्जामिनर चालू हो चुका है तुम लोग भी चालू हो जाओ अब इसीलिए मैं हर एक न्यूज को डिटेल में पढ़ाती हूँ क्योंकि पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया जाएगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो ये मेटल जो है वो सतलज नदी के मिट्टी में पंजाब के अंदर पहली बार इसको खोजा गया है कहा जा रहा है कि अब इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा क्या बात है कान तरस गए हैं ये सुनने को चलिए नेक्स्ट वाली न्यूज की तरफ चलते हैं ये वन लाइनर न्यूज है अंडर वर्ल्ड कप शिफ्टेड फ्रॉम श्रीलंका टू साउथ अफ्रीका हम सभी जानते हैं कि जो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है इसकी जो मेजबानी है वो किसे दी थी श्रीलंका को दी थी पहले लेकिन अभी क्या हुआ है श्रीलंका से ये मेजबानी छीन ली गई है अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया था अब इससे मेजबानी छीन ली बेचारे का तो टाइम ही खराब चल रहा है ठीक है अब क्या है मेजबानी छीन करके और ये किसको दे दी गई है साउथ अफ्रीका को दे दी गई है आपसे पूछा जा रहा है किसने ऐसा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ठीक है किसने ऐसा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा किया है इसे बनाया गया था 1909 के अंदर जब इसे बनाया गया था तब लंदन में था इसका लेकिन फिर 2005 के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया गया दुबई में ठीक है आईसीसी ने जो है अभी एक और बहुत अच्छा डिसीजन लिया इसे नेक्स्ट वाली न्यूज में पढ़ेंगे अभी क्या हुआ है सॉरी <coughs> इसके हेड की बात करेंगे इसके हेड कौन हो जाएंगे ग्रेक बाकले जो है वो इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हो जाएंगे तो भैया श्रीलंका से ये मेजबानी छीन ली गई है आईसीसी ने क्या किया है अब श्रीलंका जो है इसको होस्ट नहीं करेगा बल्कि कौन करेगा साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा ठीक है नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 कहां होने वाले ये कौन बताएगा मैंने पूछा था तब तो सब लोगों ने आंसर किया था को? कौन सी थी शॉर्ट वीडियो में पूछा था हा? तो ये होने वाले हैं कहां पे हाँ साउथ अफ्रीका में होने वाले हैं ठीक है इनका जो आयोजन है साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह है कंट्रीज है उनका नाम बताओ फटाफट -फड़ से साउथ अफ्रीका में कंट्रीज का नाम बता दो जल्दी से कौन सी कंट्री है जल्दी जल्दी से पेरिस ओलंपिक्स ये 2024 में होंगे पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है ये होंगे यूएसए मैक्सिको एंड कैनेडा के अंदर कितने शहरों में होंगे सिटीज अंदर इनका आयोजन किया जल नामीबिया जिम्बाब्वे बहुत अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट हाँ भाई ये देखो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं हो पाया है आजकल ना चैनल बहुत बिजी चल रहा है तो चीजें अपलोड हो नहीं पाती हैं स्टॉप क्लॉक विल बी यूज्ड टू कंट्रोल द गेम खेल की गति को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप क्लॉक का यूज किया जाएगा आईसीसी एक नया रूल लेकर आया है क्या हुआ है आईसीसी जो है एक नया रूल लेकर आया है ये क्या है स्टॉप क्लॉक रूल इसका नाम क्या है स्टॉप क्लॉक रूल नाम है इसका तो पूछा जा रहा है कि कौन लेकर आया आईसीसी क्या होगा इसमें इसमें क्या होगा इसमें ये होगा कि ये बॉलर्स के लिए रहेगा रूल ठीक है आप जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको तो पता चल ही गया होगा आप जो मेरे आप जो मेरे जैसे हैं जो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं सिर्फ अपडेट देखते हैं कि क्या नया हो रहा है जो एग्जाम में आएगा वो सुन लो ध्यान से बॉलर्स के लिए नया रूल आया है इसमें क्या होगा जैसे कि एक बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है उसका ओवर खत्म हो गया है अब जो नया बॉलर आएगा उसको नया ओवर स्टार्ट करना होगा विद इन 7 सेकंड्स सेवन सेकेंड की क्या दी गई है इसमें टाइम लिमिट दी गई है अगर वो इसमें किसी भी प्रकार का डिले होता है अगर सात सेकेंड से ज्यादा टाइम होता है और एक वो अपोजिशन वाली टीम को दे दिए जाएंगे क्या है तो ये जो रन रहेंगे वो पांच रन अपोजिशन वाली टीम को दे दिए जाएंगे अब ये जो नया रूल है वो लागू हो रहा है किसके अंदर लागू होगा इसको सबसे पहले आपके जो मेंस ओडीआई मैच होंगे मेंस टी ट्वेंटी मैच जो आपके हैं उनमें लागू किया गया है ठीक है इनमें लागू किया गया है बॉलिंग के ओवर खत्म होने के बाद सात सेकंड के अंदर दूसरा बॉलर जो है वो अपना नया ओवर स्टार्ट करेगा अगर ये टाइम ज्यादा होता है और ये गलती तीन बार होती है तो पांच रन जो है वो अपोजिशन वाली टीम को दे दिए जाएंगे हाँ सामने वाले को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पांच रन तो ये नया रूल आईसीसी लेकर आया है इसके अंदर ठीक है चलो बढ़िया है हाँ जी और ये रहा आज का आपका होमवर्क होमवर्क का आंसर सब लोगों को करना है कमेंट सेक्शन में ठीक है मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन कौन कौन करता है होमवर्क और कौन नहीं करता है सब पे नजरें रहती है मेरी तो सभी लोगों को होमवर्क जरूर करना है ठीक है और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार आज क्लास में आए हैं और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा चाहते हो नेक्स्ट क्लासेस भी आप लोगों को देखनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो देट कि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ठीक है इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी ठीक है कवर करना चाहते हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी तो आप एप्लीकेशन पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं जहाँ पर पूरी टीम रहेगी आपको आपका सिलेबस कराने के लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके जीएस जी जो पूरा पार्ट है वो मेरे पास रहेगा ठीक है तो ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको करना है एप्लीकेशन पे जाना है इसके लिए गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा जो नए स्टूडेंट्स है वो सुनेंगे पुराने वाले तो बोर हो चुके होंगे ये सुन सुन के है ना उनको तो याद हो गया टाइप करना है गूगल क्रॉम पे जाने के बाद और आप फर्स्ट वाली जो वेबसाइट होगी उसी पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके सामने ओपन होगा सबसे ऊपर देखोगे लिखा हुआ ऑल कोर्सेज इस पे जाना है और यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है जैसे कि मैंने डिफेंस को सेलेक्ट किया ठीक है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे जो भी आप एग्जाम की प्रोपेशन कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है कॉन्टिन्यू एजे वाले बच्चे यहाँ पे जाएंगे ये रहा ए का सेक्शन ठीक है सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है सिविल मैकेनिकल जिस भी ब्रांच से आप ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से अपना एग्जाम सेलेक्ट करना कि, कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अगर आप मल्टीपल काफी एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे एस एस सी जे दो दे रहे हैं पी ट्रिपल एस बी का भी है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है नेक्स्ट वाला ये तो आपका पेपर आना ही वाला है तो फिर आप महापैक पे जाइए फर्स्ट वाला है इसमें आप सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं इसमें क्या करना है आपको क्लिक करना है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये सारे जो एग्जाम्स हो गए ठीक है व्यू ऑफर्स पे जाना पहले डिस्काउंट मिलेगा कोड डाल देना यहाँ पे वाई सेवन सेवन फोर वाई सेवन सेवन फोर और कर दीजिएगा अप्लाई अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे सिर्फ तीन हजार एक सौ छियानवे रुपए का ये बचा है और इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस बिफोर एग्जाम आपको कंप्लीट कराया जाएगा ठीक है केक है 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 मेरा गिफ्ट कहां है? है? ये जो पार्टी पार्टी कर मेरा गिफ्ट कहा है भाई मैंने तो एड्रेस भी दिया था मेरा गिफ्ट कहाँ है ओके okay, सो so ये जो कोड है ये एप्लीकेबल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए चाहे डिफेंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर आपके भाई बहन किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एंड ऑल की तो वो भी इसी कोड का यूज करेंगे यहाँ पे आपको 78 का डिस्काउंट मिलेगा अगर एप्लीकेशन से लेते हो क्रॉम से लोगे तो ये सेवेंटी सेवन का पड़ेगा आपको डिस्काउंट ठीक है <coughs> मैथ्स की क्लास कितने टाइम चलती है मैथ्स की क्लास का नहीं पता मुझे बस अपनी क्लास का पता होता है बाकी इतना पता है कि चलती है क्ला एक बार YouTube पे खोल के देख लिया करो आप लोग ठीक है और पेड बेच में आप एप्लीकेशन पे विजिट करके देख लिया करो सब कुछ लिखा रहता है हर चीज लिखी होती है पार्सल कर दिया है अच्छा वेट करो ठीक है ओके कर लेते हैं वेट ओके और कुछ किसी को कुछ पूछना हो ठीक है गाइस थैंक यू सो मच तो अब आपसे मुलाकात करेंगे ग्यारह बजे ए, -ए का जो सेशन है उसमें मुलाकात करेंगे ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही और जाने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं 11 बजे थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे टेक केयर एंड बाय बाय